हेलो स्टूडेंट, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्रारंभ परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। और हम यहां पर सीधा आते हैं मुख्य परीक्षा का। आपका सिलेबस किस प्रकार का है, उसकी हम तैयारी किस तरीके से करें, तो हमारी जो सफलता का आधार होगा वो तीन तथ्यों पर आधारित ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम हम सिलेबस को देखें, दूसरा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को तैयार करें, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसका टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अधिक से अधिक मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करने की दिशा में अग्रसर होते जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहां पर आपका सिलेबस और ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसके माध्यम से कितने घंटे में ये टॉपिक हमारा कवर होता है उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन आना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपका, ये 200 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर है। इस 200 मार्क्स में हम एक अच्छी तैयारी करके मान करके चलिए अबाउट 90% तक का हम स्कोर कर सकते हैं। 90% स्कोर इसलिए मैं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ एसीएफ और रेंजर में 90% नहीं बोलता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के वो छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत ही सरल प्रकृति के क्वेश्चन हैं। और यदि हम छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग यहां पर हम यदि तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से 90% नहीं तो 90% की हम तैयारी करेंगे तो मान के चलिए कि हम 80% तो कम से कम 100% या हमारा जो क्वेश्चन है वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिलेबस को समझते हैं और इस सिलेबस को कंप्लीट करने में हमको कितना समय लगता है ये देखना है। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम बात करें तो ये हमारी जो फिजिक्स की क्लास होती है ये लगभग आपके इसमें आपको अबाउट 40 वीडियोस मिलेंगे, 42-45 वीडियोस होंगे, ध्यान रखेंगे आपका ये 42-45 वीडियोस। और जो प्रत्येक वीडियो होगा ये आपका 35-40 मिनट के वीडियोस होते हैं। इनको आप देखेंगे पूरा टॉपिक वाइज है, तो ये लगभग आपका फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है ये 40-45 वीडियोज में कंप्लीट होता है। और प्रत्येक वीडियो क्या है यहां पे आपका ध्यान देंगे कि ये 35-40 मिनट का होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, यहां पर ये केमिस्ट्री की, सेम वही पैटर्न है हमारा कि यहां पर भी 40-45 वीडियोज होंगे और प्रत्येक वीडियो क्या होगा आपका ये 35-40 मिनट का होगा। अब यहां पर ध्यान देना कि जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है इसमें अधिकांशतः इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे अपने को दिखाई देते हैं, तो मोस्टली फिजिक्स उनका तैयार होता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि हम वीडियोस को देख लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। दूसरा आप ये ध्यान रखना कि हम कई बार क्या करते हैं, हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या पीटी एग्जाम्स क्वेश्चन बुक्स वगैरह को अपन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि वो जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकल बहुत अधिक होते हैं और पेपर जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जबकि हमारा ये जो पेपर यहां पर हम देख रहे हैं ये तुलनात्मक रूप से सरल होता है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 या 4 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो थ्योरी क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपके पास पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तो वीडियोस के माध्यम से आपका क्लियर होगा और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं इसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका आ जाता है किसका, यहां पर बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है। तो बायोलॉजी में आप ये ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो लगभग यहां पर आप ध्यान रखना ये 80-85 वीडियोज आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब जो आपका साइंस वाला पार्ट है उसका सबसे बड़ा सिलेबस आप ध्यान रखना बायोलॉजी का है। इसके सिलेबस को आप देखेंगे पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट एमोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। और वास्तव में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे मेन टॉपिक यही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी टर्म वो पढ़ रहे हैं वो लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो उस टर्मोलॉजी को याद करते करते ही उनको मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अरे सर कितना टफ टॉपिक है, लेकिन जब आप मेरे वीडियोज को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक काफी सरल लगेगा।
और ये जो वीडियोज आपको दिखाई देगा, ये प्रत्येक वीडियो यहां पर आपका सेम वही आपका 40 to 45 मिनट का होता है, मतलब ओवरऑल ये जो बायोलॉजी है लगभग 70 घंटे की क्लास होती है, करके आपको ये ध्यान रखना है। अबाउट 70 आवर्स मेरे को कंप्लीट करने में लगते हैं, और साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक अपन पढ़ते जाते हैं उसके टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होते हैं। यहां पर जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करते हैं वो तुलनात्मक रूप से हम थोड़ा कठिन क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि कठिन क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो जब आप एग्जाम में तुलनात्मक रूप से सरल प्रश्न को पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके सफलता की जो प्रत्याशा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर नेक्स्ट आपको मिलता है ये टॉपिक आपका ये इकोलॉजी एनवायरमेंट की हम बात करते हैं। इकोलॉजी एनवायरमेंट में आप यहां पर ध्यान देना कि ये जो हमारे वीडियोज हैं ये वीडियोज सेम वही आपको मिलेगा, ये आपका 35 to 45 मिनट के वीडियोज होते हैं, और ये जो वीडियोज हैं ये वीडियोज आपको बहुत ज्यादा यहां पर मिलेंगे, ध्यान रखना ये आपका अबाउट 20 to 25 वीडियोज में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इकोलॉजी एनवायरमेंट को मुझे कंप्लीट करने में अधिक से अधिक लगता है यहां पर ध्यान रखना ये आपका 18 to 20 आवर्स की क्लास होती है, लगभग 18 से 20 घंटे की क्लास होती है, और इकोलॉजी एनवायरमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक का भी मैंने संकलन किया है। मान के चलिए इकोलॉजी एनवायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है 90% क्वेश्चन आपको इस बुक से ही अवेलेबल रहेंगे, तो इस बुक को भी आप कोशिश करेंगे कि आप तक ये पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहां पर आपका, इसमें साइंस एंड टेक का टॉपिक आता है, ये हो गया कि आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया। तो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस को आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान देना तीन चीजें मेन है इसमें आपका, एक तो आपका पूरा कंप्यूटर, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने देखा तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर का ही डाल दिया है। इसके अलावा इसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से जनरेट होती है, आपका स्पेस प्रोग्राम किस तरीके से पूरा संचालित हो रहा है, या देश की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है वो क्या है, और साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ न्यू कॉन्सेप्ट यदि डेवलप हुए हैं तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको ध्यान रखना कि कंप्यूटर से संबंधित वीडियोज आपको उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में कंप्यूटर एक टीचर से ज्यादा स्टूडेंट उसमें नॉलेज रखता है, तो इसके जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियोज उपलब्ध नहीं होगा। इसमें आपको वीडियोज रहेगा किस चीज का, ये लगभग ये मान के चलिए कि यहां पर आपका सेम वही आपका ये 20 से 25 वीडियो यहां पर रहेगा। तो इस 20 से 25 वीडियो में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर वाले पार्ट को छोड़कर के बाकी सारे टॉपिक रहेंगे। बाकी सारे टॉपिक बोलने का मतलब क्या है, सीक्वेंस में भी अपन जाते हैं तो पहला चैप्टर अपने दिखाई देता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, उसके बाद क्या है आपका पूरा आपका जो स्पेस प्रोग्राम चल रहा है कि सैटेलाइट क्या होता है, ठीक, GSLV क्या है, SLV क्या है, PSLV क्या है, इस टाइप की जानकारी है। इसके अलावा इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, मतलब कृषि का विकास किस तरीके से हुआ है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट मेथड किस तरीके से होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, ह्यूमस क्या है, मेन्योर क्या होता है, कंपोस्ट मेन्योर क्या है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आते हैं, तो वो पूरे आपको वीडियोस के माध्यम से यहां पर कवर कराए जाएंगे। तो ये तो था हमारा एक यहां पर सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप जायसवाल क्लासेस के एंड्रॉयड ऐप में जाएंगे और YouTube चैनल के माध्यम से उसके कुछ वीडियोज को देख करके अपनी तैयारी को आज ही आप प्रारंभ कर दीजिए, और साथ ही अपना रिस्पॉन्स भी देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोज में और भी कुछ यदि इंप्रूवमेंट करना होगा तो करेंगे। और वैसे तो ये मान करके चलिए कि लगभग 25 साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मुझे दिखाई देते हैं कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये लंबे समय तक पढ़ाते रहने के कारण ऐसा अपने साथ संभव हो सका है, और ये चीज आप भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो आप वीडियोज में देखेंगे ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी दिखाई देंगे। तो आज आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए, आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।